अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, सिर्फ 1 2 3 और स्टार प्रिंट करना सीख रहे थे, लेकिन यहाँ आ गया क्या, अल्फाबेट। अल्फाबेट आ गया, ये तो समस्या है सर। क्यों समस्या है, मैं बताऊंगा कैसे समस्या नहीं है। और इसमें देखो, यहाँ नंबर ऑफ रोज अलग है, नंबर ऑफ कॉलम अलग है, तब और समस्या हो गया। कैसे समस्या होगा मैं बता दूंगा। ए ए ए फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ बी बी बी, यहाँ सी सी सी, यहाँ डी डी डी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ ए एक और जोड़ लेता हूँ, यहाँ बी जोड़ लेता हूँ, यहाँ सी, यहाँ डी, ताकि एक ही एन लेकर आपको समझ में आ जाए। नहीं तो फिर आपको एन अलग लेना पड़ेगा और एक वेरिएबल अलग लेना पड़ेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को रख लेता हूँ सी डी। और मैंने आपको एक चीज़ बताया है, मैंने आपको क्या बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या बोलते हैं, रोज। ये हमारा क्या है, रोज। जो हॉरिजॉन्टल है मीन्स ये हमारा है इधर से इधर, ये हमारा क्या है, रोज है। ये हमारा क्या है, कॉलम। तो 1 2 3 4, इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा रोज हो गया, ये हमारा कलम हो गया। और मैंने आपको एक चीज बताया है कि जो हमारा रोज होता है वो क्या करता है, आउटर लूप से प्रिंट होता है। आउटर लूप किसके लिए मैं चलाता हूँ, रोज के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख दूंगा 4 int i = 1 i < n और i++। n क्या है, n हमारा 4 है। 4 क्यों है, क्योंकि यार इसमें 4 रोज है और 4 कलम है, तो मैं n = 4 मान लेता हूँ। अगर यहाँ हमारा 4 रोज था और कॉलम 3 था, तो उसके लिए आपको n m अलग अलग मानने पड़ते, इसीलिए उस झंझट को दूर करने के लिए मैं n दोनों को 4 बना लिया हूँ, रोज को भी और कॉलम को भी। ये हमारा आउटर लूप हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक इनर लूप चलाऊंगा, 4 int j = 1, j < n और j++। और इसके अंदर हमें क्या प्रिंट करना है सर, इसके अंदर हमें प्रिंट क्या करना है, ये तो समस्या है। ये क्या है, एक समस्या। क्यों, क्योंकि यार इससे पहले तक मैं 1 2 3 4 में गिनती प्रिंट कर रहा था और मैं स्टार प्रिंट कर रहा था, स्टार पैटर्न। अभी मुझे यहाँ अल्फाबेट पैटर्न प्रिंट करना है, तो मैं देख पा रहा हूँ जो हमारा i = 1 है, जब i = 1 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है ए। हमें भी क्या प्रिंट करना है, हमें ए प्रिंट करना है। इतना हमको समझ में भी आ रहा है, हमें क्या प्रिंट करना है, जब i = 1 है तो हमें क्या प्रिंट करना है, ए। तो मैं एक चीज यहाँ कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं लिख लूंगा कैर ऑफ 65, कैर ऑफ 65। अब 65 क्या है, 65 क्या है सर, तो आपको एक चीज अभी पता होना चाहिए, स्काई वैल्यू। स्काई वैल्यू मीन जितना भी आप अल्फाबेट डिजिट स्पेशल कैरेक्टर जितना चीज भी आप देखते हैं कंप्यूटर में, सबका एक स्काई वैल्यू है। जैसे कैपिटल ए का स्काई वैल्यू है कितना, 65, वैसे ही बी का कितना है, 66, सी का कितना है, 67, वैसे ही ये जाता है कितना तक, 90 तक। जेड का कितना है, 90। तो आपको क्या करना है, ए प्रिंट करना है। ए तो ए कैसे प्रिंट होगा, ए का स्काई वैल्यू कितना होता है, 65। ए का स्काई वैल्यू कितना होता है, 65। तो कैर ऑफ, अगर आप ए कर दोगे, कैर ऑफ क्या करना है आपको, अगर ए कर दोगे कैर ऑफ ए, अब क्या हो जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। पहली बार में आपको 4 बार चलेगा, ये 4 बार चलेगा, तो कैर ऑफ 65 अगर मैं कर दूंगा तो 4 बार हमारा क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। 4 बार क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट बारी से हमें क्या करना है, नेक्स्ट बारी हमें फिर प्रिंट करना है बी। तो बी कैसे प्रिंट होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 65 + 1, क्या करना पड़ेगा, 65 + 1 करना पड़ेगा। तो पहली बार में तो आप यहाँ प्रिंट कर लोगे क्या, 65 ए प्रिंट हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार में फिर यहाँ आपको बी दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक इरेजर ले लेता हूँ। इरेजर देखो, मैं यहाँ आपको ड्राई रन कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो मुझे तो डायरेक्ट आंसर पता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आपको सी आउट क्या लिखना है, सी आउट जो हमारा करेक्टर ए है, ए इसमें मैं आई के वैल्यू को जोड़ दूंगा और माइनस कर दूंगा 1, 1 कर दूंगा एंड। अब आप बोलो सर आप एक इसने आपने इस कर क्या दिया, मैं बोलूंगा ध्यान दो।
सी आउट ए, पहली बार मैं क्या करूंगा, ए ए कितना है, कैरेक्टर ए ए है, प्लस आप यहाँ इसका स्काई वैल्यू मैं बताता हूँ इसका क्या यूज है, अभी आपको समझ में आएगा। ए प्लस आई, आई वैल्यू कितना है पहली बार में, वन है, वन माइनस वन कट जाएगा, कितना जाएगा पहली बार में, वन कट जाएगा। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो आई वैल्यू कितना हो जाएगा, टू, आई वैल्यू कितना हो जाएगा, टू, तो ए प्लस टू, ए प्लस टू माइनस वन, तो ए कितना है, ए टू कितना है, टू माइनस वन वन। अब देखो यहाँ कैरेक्टर है, कैरेक्टर और यहाँ इंटीजर है, ये दोनों ऐड कैसे होगा, तो ऐड इसलिए हो पाएगा क्योंकि जो ए हमारा कैरेक्टर है इसका स्काई वैल्यू यहाँ 65 होता है, इसीलिए मैंने आपको स्काई वैल्यू बारे में बताया कि एक वैल्यू कितना होगा 65, तो यहाँ हो जाएगा 65 प्लस वन कितना हो जाएगा 66, और 66 का जो हमारा कैरेक्टर वैल्यू कितना है इसको मैं कैर में चेंज कर दूंगा, तो कितना वैल्यू है इसका, बी। तो दूसरे राउंड में हमारा सारा का सारा क्या हो जाएगा, चार बार जे लेस इक्वल टू एन है, मीन्स जे लेस देन इक्वल टू फोर है, फोर, तो चार बार हमारा बी प्रिंट हो जाएगा। तीसरे बार में हमारा क्या होगा, तीसरे बार में यहाँ ए प्लस आई का वैल्यू कितना है, थ्री माइनस वन, तो ए प्लस टू, ए का वैल्यू कितना है 65 प्लस टू कितना हो जाएगा 67, और 67 का वैल्यू कितना है, 67 का हमारा है सी, तो तीसरी बार में हमारा सिर्फ सी प्रिंट हो जाएगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे चीजें काम कर रही है और कैसे आपको करना है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका भी सेम टू सेम वैसे ही ट्राई रन करना है, आई पहले वन से शुरू होगा, लेस देन इक्वल टू जाएगा फोर तक, और जैसे ही यहाँ लेस देन इक्वल टू फोर है कंडीशन ट्रू होगा, इसके अंदर आएगा एक से लेकर चार तक चलेगा, और चार तक में पहले ए को प्रिंट कर देगा, फिर आई इक्वल टू हमारा टू हो जाएगा, टू बार में फिर हमारा यहाँ चलेगा ए प्लस आई माइनस वन, अब ए का वैल्यू बी हो जाएगा, तो चार बार बी प्रिंट कर देगा, फिर चार बार सी प्रिंट कर देगा, और चार बार डी प्रिंट कर देगा, और जैसे ही आई इक्वल टू हमारा फाइव होगा लूप से बाहर निकलेगा और इसको हमारा स्क्रीन पर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं चलूंगा देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो इसको प्रिंट करना है, ए ए ए बी 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 सी सी सी, इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा देने की ज़रूरत है, तो दिमाग कैसे लगेगा उसके लिए तो मैं आपको हूँ ही बताने वाला, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो आपको काफ़ी अच्छे से लिखना है। और मैं तो कहूँगा यार, अभी तक आपने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है और अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि काफ़ी इफर्ट्स लग रहे हैं आपके लिए कंटेंट इस बनाने में। तो मैं क्या करूँगा, यूजर से इनपुट ले लूँगा और मैं क्या करूँगा, एक फोर लूप लगाऊंगा, फोर लूप, एक आउटर लूप लगाता हूँ, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, फिर मैं क्या करूंगा एक इनर लूप लगाऊंगा, एंड जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू एन और जे प्लस प्लस, और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें करना है सी आउट, यहाँ देखो कैरेक्टर ए प्लस आई माइनस वन, इसको मैं कोट में बंद कर दूंगा, और देखो मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, आपको मैं क्या करूँगा, एक जादू दिखाऊंगा, इतना मैं बंद कर दूंगा, और मैं क्या करूँगा यहाँ एक स्पेस लिख दूंगा, और नीचे आकर मैं क्या करूँगा सी आउट एंडल कर दूंगा कंट्रोल प्लस एस, आप इस कोड को पहले देख लो ध्यान से, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, जे वन से, जे हमारा कहाँ से चलेगा एन तक, और जे प्लस प्लस, इसको प्रिंट कर दिया, मैं क्या करूँगा रन करूँगा, और जैसे ही मैं रन करूँगा और यहाँ नंबर डालूंगा थ्री, तो आपको दिख गया जादू, आप बोलोगे सर 65 65 65 है क्या, तो मैं आपको वैसे में से यही बता रहा हूँ, 65 किसका वैल्यू होता है ए का, 66 किसका वैल्यू होता है बी का, 67 किसका होता है सी का, तो आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता किसका वैल्यू होता है, तो मैं बोलूँगा मैंने आपको बताया है स्काई वैल्यू के बारे में कि 65 ए का होता है, तो आप बोलोगे सर हमें तो प्रिंट करना था यहाँ ए ए ए बी 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 सी सी सी, लेकिन आप यहाँ 65 65 66 पता नहीं क्या क्या प्रिंट कर रहे हो। मैं बोलूँगा देखो बाबू अभी मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कैरेक्टर में चेंज करना पड़ेगा, मैं क्या यहाँ लगाऊंगा ए इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ कैर लगा दूंगा कंट्रोल प्लस एस करूँगा, अब मैं क्या करूँगा इसको रन करूँगा, और जैसे ही रन करूँगा अभी आपको आउटपुट दिख रहा होगा ए ए ए बी 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 सी सी सी, ए बी 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 सी सी सी, इसके पहले मैंने कैरेक्टर नहीं लगाया था तो इंटीजर वैल्यू उसका लिख रहा था, उसका जो स्काई वैल्यू होता है उसी का प्रिंट कर रहा था, लेकिन मुझे क्या चाहिए, स्काई वैल्यू नहीं चाहिए, हमें
बी सी 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 चाहिए। तो अभी आपको कोड समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी काफी आसान है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारा आपको करा रखा है, बस इसमें आपको क्या करना है, एक एक इंक्रीमेंट करते जाना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ लिखूंगा पहले ए बी सी डी ई एफ। आप काफी ध्यान से समझो, एकदम आराम आराम से आपको चीजें हमेशा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जो भी हमारा रोज होता है, रोज उसके लिए हम आउटर लूप का यूज करते हैं। क्या करते हैं? आउटर लूप। और रोज हमारा क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमारा क्या है? रो। जो हॉरिजॉन्टली उसको क्या बोलते हैं? रो। 1, 2, 3 और 4। 4 रोज हमारे पास कॉलम कितना है? तो आप बोलो सर 1, 2, 3, 4। और आपको एक चीज और यहां दिख रहा होगा क्या, कि जब रो नंबर हमारा 1 है तो सिर्फ उसमें एक एलिमेंट प्रिंट करना है, जब रो नंबर हमारा 2 है, रो नंबर 2, तो इसमें दो एलिमेंट प्रिंट करना है। वैसे ही रो नंबर अगर हमारा 3 है तो इसमें 3 एलिमेंट प्रिंट करना है, रो नंबर हमारा 4 है तो इसमें 4 एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है। इतना आपको पता चल गया। जब इतना आपको पता चल गया तो मैं मान लूंगा एन इक्वल टू क्या है? हमारा 4 है। क्यों? क्योंकि यार हमारे पास 4 रोज हैं और 4 कॉलम है, तो मैं एन इक्वल टू 4 ही मान लूंगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 से लेकर 4 तक एक लूप लगाऊंगा जो हमारे रोज को कंट्रोल करेगा। तो मैं क्या करूंगा, 4 int i = 1, i < n और i++। फिर मैं क्या करूंगा, एक इनर लूप लगाऊंगा जो हमारे कॉलम को कंट्रोल करेगा और 1 से लेकर 4 तक चलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 int j = 1 और j < i और j++। लेस इक्वल टू आई मैंने क्यों किया? क्योंकि यार जो हमारा जे, अगर हमारा i = 1 है, 1, तो हमारा कॉलम कितना है? 1, तो एक कॉलम है। अगर i = हमारा 2 है, यहाँ i = 2 है, तो कितना कॉलम है? एक कॉलम, दो कॉलम, दो कॉलम है हमारा डेटा है। जब i = हमारा 3 है तो कितना कॉलम में डेटा है? 1, 2, 3, 3 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, j < i करना पड़ेगा ताकि जो हमारा इनर लूप है वो i तक चले। अगर i1 है तो एक एलिमेंट प्रिंट करेगा, i2 है तो 2 एलिमेंट प्रिंट करेगा, i3 है तो 3 एलिमेंट को प्रिंट करेगा। और इसमें मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ लिखूंगा मैं सी आउट। इसमें मुझे क्या प्रिंट करना है? इसमें मुझे 1, 2, 3, 4 तो प्रिंट करना नहीं है, मुझे क्या करना है? ए बी सी डी ई एफ। और मैंने आपको बताया है कि ए का स्काई वैल्यू कितना होता है? 65। ए का स्काई वैल्यू कितना होता है? 65। मीन्स अगर इंटीजर में मैं 65 लिखूंगा तो कैरेक्टर में हमारा ए प्रिंट होगा। इतना आपको पता है, इतना क्या है, आपको पता है, इतना समझ में आ गया। तो मैं क्या प्रिंट करूंगा यहाँ, ए प्लस, क्या करूंगा, ए प्लस मुझे काउंट करना पड़ेगा, काउंट। अब काउंट क्या है? तो मुझे काउंट कुछ नहीं है, यहाँ इंट में काउंट इक्वल टू कर लूंगा 0। और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, काउंट प्लस प्लस। अब बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूज हो होंगे, तो मैं अभी आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। मैं यहाँ काउंट क्यों लिखा हूँ? क्योंकि यार देखो, यहाँ सबसे पहले हमारा जब i = हमारा 1 है तो हमें क्या प्रिंट करना है? ए, हमें ए प्रिंट करना है। लेकिन जैसे मैं दूसरे इटरेशन में जाऊंगा, जैसे हमारा i = 2 होगा, तो उस बार बी एक बार प्रिंट हो रहा है और एक बार सी प्रिंट हो रहा है, मुझे ए यहाँ प्रिंट नहीं करना है। इसलिए मुझे एक काउंट वेरिएबल लेना पड़ेगा जो हर एक बारी जब भी हमारा इनर लूप चलेगा तो एक बार क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, एक बार वो क्या होगा, इंक्रीमेंट। तो पहली बार हमारा क्या है, ए है, इसको इंक्रीमेंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, बी। फिर मैं 1 से इंक्रीमेंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, सी। ऐसे ही मैं इंक्रीमेंट करता जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, काउंट को पहले मैंने 0 माना है, तो पहली बार जब भी चलेगा तो ए मतलब 65, इसका स्काई वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का 65। 65 प्लस काउंट का वैल्यू कितना है, 0, तो 65 + 0 कितना हो जाएगा, 65। और इसका कैरेक्टर वैल्यू कितना हो जाएगा, ए, तो ए प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस, काउंट क्या होगा, प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू कितना हो गया, 1, काउंट का वैल्यू 1 हो गया। लेकिन जे का वैल्यू यहाँ कितना था, जे का वैल्यू 1 से शुरू हुआ है और जे प्लस प्लस, j = 2 हो जाएगा। तो यहाँ फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 < i, कंडीशन क्या है, फॉल्स। तो इससे बाहर आ जाएगा, एक नया लाइन प्रिंट कर देगा और फिर यहाँ जाएगा। अभी मैं ड्राई रन करता हूँ, ड्राई रन, आपको समझ में आ जाएगा। i = 1,
जे इक्वल टू 1 और ऊपर में लिख लूंगा काउंट, काउंट इक्वल टू क्या है 0। तो मैं क्या करूँगा, एक मार्कर पर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ आई इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है तो आई 1 है, जे इक्वल टू 1 है, ठीक। आई इक्वल टू 1, अब आई कितना है, आई लेस देन इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू कितना है 4, कंडीशन ट्रू है। आई जो है तब 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा। और जे कहाँ से शुरू होगा, 1 से, 1 से शुरू हो रहा है, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे जो है लेस देन है इक्वल टू आई है, मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू 1, हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या यहाँ आएगा और क्या प्रिंट करेगा, ए प्लस काउंट, ए का वैल्यू कितना है 65 प्लस 0, मतलब 65 ही, तो इसे क्या प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा क्या ए। फिर काउंट प्लस प्लस, अब काउंट का वैल्यू कितना हो गया 1। फिर यहाँ जे प्लस प्लस करेगा कितना हो जाएगा, जे का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा 2, जे प्लस प्लस होगा तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, टू लेस देन इक्वल टू 1, 2 है लेस देन है या फिर इक्वल टू है 1 के, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है, इस लूप से बाहर आएगा और यहाँ न्यू लाइन प्रिंट करेगा और आ जाएगा हमारा कर्सर यहाँ, यहाँ आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेगा, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया, अब 2 हो गया, आई का वैल्यू 2 का कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4, हाँ कंडीशन ट्रू है, फिर इसके अंदर आएगा। फिर जे हमारा 1 से शुरू होगा कहाँ तक, आई तक, जे हमारा 1 से शुरू होगा और आई तक जाएगा, तो 1 से शुरू होगा तो फिर हमारा जे कहाँ शुरू होगा, 1 से, हमारा जे करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 2, अब आई का वैल्यू 2 हो गया, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तब क्या करेगा, ए प्लस काउंट, काउंट का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 65, 65 प्लस 1 कितना हो जाएगा 66, 66 का वैल्यू कितना होता है बी, तो यहाँ क्या प्रिंट करेगा बी, ठीक है। फिर काउंट प्लस प्लस, अब काउंट का वैल्यू कितना हो गया था, यहाँ 1 हो गया था, अब यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा काउंट प्लस प्लस। फिर यहाँ जे प्लस प्लस करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा 65 प्लस काउंट का वैल्यू अब कितना हो गया है 2, तो 65 प्लस 2 कितना हो जाएगा 67, 67 का वैल्यू कितना होता है सी, तो यहाँ सी प्रिंट कर देगा। वैसे ही जब तीसरा बार लूप चलेगा तो 3 बार प्रिंट करेगा तो क्या हो जाएगा डी ई एफ, चौथा बार लूप चलेगा कितना हो जाएगा, 4 बार प्रिंट करेगा तो क्या हो जाएगा जी एच आई जे, पांचवा बार लूप आएगा तो क्या करेगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन जैसे चेक करेगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो लूप से बाहर निकलेगा और नीचे कुछ नहीं है, तो इतना हमारा स्क्रीन पर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, इतना क्या करेगा हमारा स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। अगर इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट करना है, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहेगा, लेकिन फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज आप कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। अभी मैं चलता हूं अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको एक कोड करके दिखाता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, हैज इंक्लूड हाई स्ट्रीम, आपको मेरे साथ कोडिंग करना है, मेरे साथ कोडिंग करने से आपको बहुत सारी चीज़ें तो अभी क्लियर होंगी ही, साथ ही साथ आपको जो मज़ा आएगा वो अलग लेवल का है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, इसको तो आपको लिखना लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, फोर लूप लगाना है, फोर लूप जो एक आउटर लूप होगा, फोर वन से लेकर कहाँ से चलेगा लेस देन एन तक, और फिर हमारा एक इनर लूप होगा फोर इंट, इसको मैं जे मान लेता हूँ, जे इक्वल टू 1 से कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, इतना चलेगा। फिर हमारा क्या होगा सी आउट, देखो मैं आपको करके पहले दिखा रहा हूँ, पहले सी आउट मैं सिर्फ अगर ए लिखूंगा, सिर्फ मैं क्या लिखूंगा यहाँ ए, अगर मैं ए लिखूंगा यहाँ और मैं यहाँ दे दूंगा स्पेस और जाऊंगा मैं नीचे और यहाँ लिख दूंगा सी आउट एंड एल, तो अभी आपको गेस करना है आउटपुट क्या होगा। इतना मैंने लिख दिया, मैं पहले इसको रन करूंगा और आपको दिखाऊंगा, मैं फुट डाला और यहाँ देख पा रहे होगे आप क्या कि सिर्फ ए प्रिंट हो गया, इस फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है, लेकिन सिर्फ ए प्रिंट हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ ए चाहिए नहीं, मुझे ए बी सी डी ई एफ जी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल यहाँ बना लूंगा काउंट इंट काउंट इक्वल टू 0, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ जाएगा, मुझे ए प्लस यहाँ मैं काउंट कर दूंगा काउंट, और नीचे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा काउंट को एक इंक्रीमेंट कर लूंगा काउंट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस एस, काउंट प्लस प्लस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे रन करूंगा, अभी आपको थोड़ा सा जादू दिखेगा, यहाँ अभी आप देखो आपको क्या मिल रहा है 65, 66, 67, 68, 69, 70, आपको इसका स्काई वैल्यू मिल रहा है,
आपको ए बी सी डी ई एफ जी करना है, लेकिन यहाँ स्काई वैल्यू मिल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बहुत ड्राई रन करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको टाइप कास्ट कर दूंगा सी एच ए आर कैर, क्योंकि जो ही बार हमारा वैल्यू यहाँ इंटीजर में आ रहा है उसको टाइप कास्ट कर दो। मुझे इसको किस में चाहिए, कैरेक्टर में चाहिए, मुझे किस में चाहिए, कैरेक्टर में। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, रन करूँगा, और जैसे ही मैं रन करूँगा और यहाँ डालूंगा 4, तो अभी आपको आउटपुट दिख पा रहा होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो हमें चाहिए वो हमारा आउटपुट दिख गया। और आपको कोड के बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है, सारा का सारा कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको वहाँ ज्वाइन कर लेना है और सारा का सारा कोड मिल जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको बताऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं क्या करूँगा, इस कोड को यहाँ से भगा दूंगा, इस कोड को मैं यहाँ से इतना कोड को मैं भगा देता हूँ, या फिर मैं सबको भगा दे रहा हूँ, मैं फिर से लिखूँगा, ठीक है, मैंने भगा दिया। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, उसी टाइप का क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी आपको आसान से कराऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैं हर एक क्वेश्चन को आपको इस तरह लिख कर इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी भी टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए तो आप विजुअलाइज करना जान जाए, आपको पता चल जाए कि कैसे हम रो को प्रिंट करते हैं, कैसे कॉलम को प्रिंट करते हैं, कैसे अगर कोई नंबर हमको प्रिंट करना है तो कैसे हम लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि आपके पास 3 रो है। अब रो क्या है, रो हमारा हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो रो हमारा है 1 2 3, कॉलम हमारा है कितना, मैं मार्कर चेंज करता हूँ, कॉलम हमारा है 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम हमारे पास है, इतना हमें समझ में आ गया। हमारे पास 3 रो है और 3 कॉलम है, इतना हमें समझ में आ गया। तो आपको एक बात मैंने बताई थी कि जो हमारा आउटर लूप होता है वो रो को प्रिंट करता है, मींस अगर मुझे रो को प्रिंट करना है 1 2 3 को, तो उसके लिए मुझे आउटर लूप लगाना पड़ेगा। और जो कॉलम को किसको प्रिंट करता है, कॉलम किसको प्रिंट करता है, कॉलम हमारा इनर लूप को प्रिंट करता है, ठीक है, मींस इनर लूप हमारे कॉलम को प्रिंट करता है। तो मैं क्या करूंगा, एक आउटर लूप लगाऊंगा, 4 int i = 1, i < n और i++। यहाँ n क्या है, n नंबर ऑफ हमारा क्या है, रो है और कॉलम है, n = क्या है, 3, इसको मैं n मान लूंगा, क्योंकि यार नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है और नंबर ऑफ रोज भी 3 है, इतना मैंने मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, इनर लूप लगाऊंगा 4 int j = 1, j < n और j++। अब यहाँ मैंने j < n क्यों लिखा है, क्योंकि यार हमारे प्रत्येक वैल्यू के लिए अगर हमारा i = 1 है, 1 मतलब रो हमारा नंबर 1 है, तो उसके लिए भी हमारा लूप 3 बार चलेगा, 3 एलिमेंट है ए बी सी, इसलिए मुझे <n> करना पड़ा है कि जितना एन है, जितना एन का वैल्यू है उतना टाइम हमारा लूप चलेगा, इतना हमें समझ में आ गया। तो इस बारे मुझे क्या प्रिंट करना है, इस बारे मुझे प्रिंट करना है क्या, ए के बाद बी के बाद सी, मतलब इसके लूप के अंदर हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाना है। इसमें मुझे क्या करना, प्रिंट करना है, मुझे ए प्रिंट करना है प्लस काउंट का वैल्यू, काउंट का वैल्यू, यहाँ काउंट का वैल्यू मुझे क्या करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। अब काउंट क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ काउंट क्या है। सी आउट यहाँ क्या करना है, एंडर न्यू लाइन के लिए एक मैं वेरिएबल बना लूंगा काउंट नाम का, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, 0, प्लस में वैल्यू 0 रहेगा। तो पहली बार में मुझे क्या प्रिंट करना है, ए प्लस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए, तो ए प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंट प्लस प्लस इसके अंदर आएगा, काउंट प्लस प्लस कर देगा, काउंट का वैल्यू अब हो गया 1। अब दूसरी बार में क्या करेगा, ए प्लस वन कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि ए का स्काई वैल्यू कितना होता है, 65, ए का स्काई वैल्यू कितना होता है, 65, 65 प्लस वन कितना हो जाएगा, 66। देखो जितना भी हमारा अल्फाबेट होता है, नंबर होता है, स्पेशल कैरेक्टर होता है, कुछ भी होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबका एक स्काई वैल्यू सेट रहता है। जैसे कैपिटल ए का हमारा स्काई वैल्यू कितना है, 65, मैंने आपको बताया है। तो इंटीजर में इसको कन्वर्ट करेगा, पहले 65 + 1 कितना हो जाएगा, 66, और 66 किसका वैल्यू है, बी का, तो बी प्रिंट कर देगा, ठीक है। अभी मैं ड्राई रन करता हूँ, ड्राई रन देखो, यहाँ मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। i = पहले कितना है, पहले मैं यहाँ लिखूंगा काउंट, काउंट = कितना है, 0, i = कितना है, 1, j = कितना है, 1, तो i = 1 है। कंडीशन चेक करेगा 1, 1 < n कितना है, n हमारा 3 है, कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा।
फिर हमारा जे कहाँ शुरू हो रहा है, वन से, जे लेस इक्वल टू वन, जे मतलब वन लेस इक्वल टू थ्री, हाँ कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन हमारा क्या है ट्रू, तो इसके अंदर आएगा। और क्या प्रिंट करेगा, ए, ए प्लस काउंट, काउंट का वैल्यू कितना है जीरो, तो ए प्लस जीरो कितना हो जाएगा ए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। फिर काउंट प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू हमारा जीरो था, अब प्लस प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा वन, काउंट का वैल्यू वन आ गया। और फिर क्या करेगा जे प्लस प्लस, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, जे का वैल्यू कितना होगा टू, अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा टू लेस देन इक्वल टू थ्री, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा। और क्या करेगा ए प्लस काउंट, काउंट का वैल्यू कितना हो गया है वन, तो ए प्लस वन कितना हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। फिर काउंट प्लस प्लस, अब काउंट का वैल्यू कितना हो गया टू, टू हो गया। फिर जे प्लस प्लस करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा अब थ्री, तो क्या करेगा थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री, थ्री जो है लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा इसके अंदर। और क्या करेगा ए प्लस काउंट का वैल्यू कितना हो गया है टू, ए प्लस टू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 65 प्लस टू 67, और 67 का जो हमारा वैल्यू होता है कितना होता है सी, तो यहाँ सी प्रिंट कर देगा। और फिर क्या करेगा काउंट प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, अब काउंट का वैल्यू कितना हो गया थ्री। और फिर जे प्लस प्लस करेगा तो जे प्लस प्लस करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर, कंडीशन चेक करेगा फोर लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा तो इस लूप से बाहर आएगा और यहाँ एक नया लाइन प्रिंट कर देगा और करता रह जाएगा इसके नीचे। और फिर आई प्लस प्लस करेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, और फिर टू के लिए हमारा लूप ही इनर लूप तीन बार चलेगा, टू के लिए हमारा इनर लूप कितना चलेगा तीन बार, क्यों, क्योंकि यार मैंने जे लेस देन इक्वल टू एन लिखा है, मीन्स तीन ही बार, जितना बार हमारा एन है उतना बार चलेगा। तो फिर मुझे क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ डी प्रिंट कर देगा, डी यहाँ ई यहाँ एफ यहाँ जी यहाँ एच यहाँ आई, इतना समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। तो ड्राई रन करके देखना, अपने से सीखना काफ़ी जरूर होता है, तभी आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपको समझ में आ पाएगा। अभी मैं चलता हूँ देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको कोड करके दिखाता हूँ, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो और मैं तो कहूँगा यार आप मेरे साथ कोड करो, मेरे साथ कोड करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं पर समझ में आना शुरू हो जाएंगी और आपको मज़ा जो आएगा वो तो अलग, तो आप मेरे साथ ही करो, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ, आप मेरे साथ लिखते रहो, क्योंकि कोई भी डाउट अगर आप होने वाला है यहीं का यहीं क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहो, इंट मीन ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको तो लिखना है लिखना है। फिर मैं क्या लिखूंगा, इंट एन, एक यूजर से मैं इनपुट ले लूंगा नंबर, और नंबर लेने के बाद मैं क्या करूंगा फोर लूप चलाऊंगा, फोर इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, फिर फोर इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू एन, और जे प्लस प्लस। इतना करने के बाद क्या प्रिंट करना है, सी आउट कैर ऑफ ए प्लस काउंट। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए कि सर ये कैर क्या है, आपको बताता हूँ कैर क्या है। और फिर में क्या प्रिंट करना है, यहाँ एक न्यू लाइन प्रिंट करना है, सी आउट एंडल। और उससे पहले मुझे एक यहाँ काउंट वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, इसको यूज नहीं कर पाऊंगा सी प्लस प्लस में, आपको इतना बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब काउंट क्या है, काउंट मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमारा जीरो से शुरू हो रहा है और हर एक बार एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएगा, जिसे हम क्या करेंगे उसी को प्रिंट करते जाएंगे। और काउंट मैंने यहाँ यूज़ किया है तो मुझे काउंट को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तो इसी काउंट प्लस प्लस मैंने कर दिया। अब मैं कैर यहाँ क्यों लिखा हूँ, कैर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यार अगर मैं सिर्फ काउंट यहाँ लिखता हूँ और इस पर प्लस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू कितना होता है 65, और काउंट का वैल्यू कितना है जीरो, 65। तो अगर कैर मैं नहीं लिखूंगा तो इसका वैल्यू प्रिंट कर देगा 65, लेकिन मुझे चाहिए कैरेक्टर में उसका नंबर, तो मैं क्या करूंगा कैरेक्टर यहाँ लिख दूंगा। अभी मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, और जैसे ही रन करूंगा मैं यहाँ फोर डालूंगा तो आप आउटपुट यहाँ दिख पा रहे होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आपको एक ही यहाँ दिख रहा है। दूसरे इनपुट पर भी ट्राई करता हूँ मैं, यहाँ डालूंगा मैं क्या, यहाँ मैं थ्री डालूंगा जो हमारा था, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यही हमारा क्या है आउटपुट, यही हमारा क्या है आउटपुट, और यही हमें चाहिए था। इतना समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया। अभी मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं क्या करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा और आपको बताऊंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लर्ड ट्रायंगल, क्या बोलते हैं, एफ एल ओ वाई डी, फ्लर्ड्स ट्रायंगल।
ये क्वेश्चन काफी आसान है, मैं एक पहले इसको लिखूंगा और आपको समझाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें आपको एक चीज अभी दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ रोज कितना है। तो आप बोलोगे सर जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसको हम रोज बोलते हैं, तो 1, 2, 3, 4। कॉलम कितना है, 1, 2, 3, 4। इतना हमारा क्या है कॉलम, ये हमारा क्या है रो। तो अभी आपको दिख रहा है कि सर मैं क्या करूंगा, जितना हमारा रो नंबर अगर 1 है तो उसके लिए एक बार लूप चल रहा है, रो अगर 2 है तो उसके लिए 2 बार लूप चल रहा है, 1, 2। रो अगर हमारा 3 है तो 1, 2, 3 बार लूप चल रहा है। तो सर आपने बताया है बहुत बार कि जो हमारा आउटर लूप होता है वो रो को प्रिंट करता है और जो हमारा इनर लूप होता है वो किसको प्रिंट करता है, कॉलम को। इतना मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3, 4, मुझे रो 4 दिख रहा है, मैं सबसे पहले एक लूप चलाऊंगा 4 तक। 4 int i = 1, i < n और i++। अब n क्या है, n हमारा कुछ नहीं है, नंबर है, n में 4 मान लूंगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 रोज है और 4 कॉलम है, तो मैं क्या करूंगा 4n = मान लूंगा। ठीक है, इतना मैंने कर लिया। अब मुझे देखो जब हमारा रो 1 है तो 1 तक लूप चलेगा, रो हमारा 2 है तो 2 तक लूप चलेगा। तो मेरा इनर लूप, मुझे एक बात पता चल गया कि जो हमारा इनर लूप है वो कहाँ तक चलेगा, आई तक। मीन्स आई का वैल्यू जितना है वहाँ तक हमारा इनर लूप चलेगा। और इसमें प्रिंट क्या करना है सर, इसमें प्रिंट करना है किसको, काउंट को। अब काउंट क्या है मैं बता देता हूँ, काउंट फॉलोड बाई स्पेस और यहाँ काउंट प्लस प्लस, और नीचे क्या करना है, सी आउट हैंडल। और यहाँ मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा काउंट के नाम से, जिसको मैं 1 असाइन कर दूंगा, जिसको मैं क्या करूँगा 1 असाइन कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा i = 1 है, j = 1 है, तो सबसे पहले हमारा 1 प्रिंट करेगा। पहले यहाँ मैं 1 लिखा रहूँगा तभी हमारा 1 प्रिंट कर पाएगा, तो सबसे पहले 1 प्रिंट कर देगा, फिर काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस होगा तो जे प्लस प्लस होगा, तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 2 <i> गलती हो जाएगा। अब मैं ड्राई रन करता हूँ, ड्राई रन करता हूँ तो समझ में आएगा। देखा, तो मैं पहले एक मार्कर चेंज करूंगा मार्कर, और देखो यहाँ काफी ध्यान समझना है, काउंट हमारा कितना है 1, i = कितना है 1, j = कितना है 1, i = 1, i < n, i = 1, < कितना है 4 के। हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इस लूप के अंदर आएगा। और j = यहाँ 1 है, j = कितना है 1, 1 < 1, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा क्या करेगा, काउंट को प्रिंट कर देगा। तो काउंट का वैल्यू कितना है 1, 1 यहाँ प्रिंट हो गया, ये हमारा आउटपुट 1 हमारा क्या हुआ, प्रिंट हो गया। अब काउंट प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू कितना हो गया 2। अब फिर क्या करेगा, यहाँ जे प्लस प्लस करेगा, इस लूप को फिर प्लस प्लस करेगा जे, तो जे का वैल्यू कितना हो गया 2। अब जे करेगा 2, 2 < 1, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेगा यहाँ सी आउट एंड एल, एक नया लाइन को प्रिंट कर देगा और कर्सर हमारा आ जाएगा नीचे। कर्सर हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, कर्सर हमारा नीचे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, फिर हमारा जब कर्सर नीचे आ जाएगा तो फिर आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना हो गया 2, आई का वैल्यू 2 हो गया। फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 2, 2 < 4, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये कहाँ तक चलेगा, 2 तक चलेगा। जे आई j = 1, 1 से शुरू हो रहा है, 1 से हमारा क्या हो रहा है शुरू, और कंडीशन चेक करेगा 1 < 2, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर काउंट काउंट को प्रिंट कर देगा, काउंट हमारा कितना था 2, तो 2 यहाँ हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर जे प्लस प्लस करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो गया 2, 1 से शुरू हुआ था 2 हो गया। अभी हमारा कंडीशन चेक करेगा, 2 < 2, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ प्रिंट कर देगा। उससे पहले हमारा यहाँ काउंट इंक्रीमेंट हुआ रहेगा 3, तो यहाँ आएगा और काउंट कितना प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा। फिर हमारा यहाँ आएगा और जे प्लस प्लस करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और जैसे जे का वैल्यू 3 होगा हमारा कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो नया लाइन प्रिंट करेगा और कर्सर आ जाएगा यहाँ। फिर आई प्लस प्लस करेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 3, और 3 के लिए हमारा लूप 3 बार चलेगा, तो फिर क्या प्रिंट कर देगा यहाँ 4, 5, 6। फिर हमारा आई प्लस प्लस करेगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 = 4, कंडीशन ट्रू है। फिर प्रिंट करेगा कितना, 7, 8, 9, 10। आप इसको ड्राई रन करके देखो, समझो मैंने आपको करके दिखाया है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अपने से कोड राइट करने की कोशिश करना है, अपने से ड्राई रन करने की कोशिश करनी है और फिर लिखना है, तब देखो आपको कितना अच्छा समझ में आएगा, फिर आपके लिए फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं तो यही कहूँगा आप अच्छे से देखो, ड्राई रन अपने से करो, मज़ा आ जाएगा, और इस टेक्निक को अपनाओ, एकदम अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी मैं चलूँगा आपको कोड करके दिखाऊंगा, तो देखो कोड
कोड में मैं यहाँ कोड लिखता हूँ, उससे पहले मैं क्या करूँगा इसको क्लोज करूँगा और यहाँ लिखूँगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इंट मेन। फिर मैं क्या करूँगा यूजर से इनपुट लूँगा ताकि मुझे पता चल पाए कि यूजर कुछ भी डाले उसके अनुसार से प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा एक यहाँ काउंट नाम के वेरिएबल बना लूँगा जैसे आपने मैंने आपको बताया है। फिर मुझे आउटर लूप चलाना पड़ेगा रो के लिए। आउटर लूप हमेशा रो के लिए चलता है, इतना बात आपको हमेशा याद रखना है। आउटर लूप किसके लिए चलता है? रो के लिए। और इनर लूप किसे चलता है? कॉलम के लिए, इतना बात पता है। तो एक इनर लूप मुझे चलाना पड़ जाएगा इंट जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक? आई तक, और जे प्लस प्लस। मुझे क्या प्रिंट करना है मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ आई तक चलेगा, ठीक है। और जे प्लस प्लस, इसमें मुझे क्या प्रिंट करना है? मैं यहाँ जाता हूँ और मुझे प्रिंट करना है काउंट को, सी आउट, सी आउट काउंट, और फॉलोड में मुझे स्पेस भी प्रिंट करना है ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा दिखे दिखने में भी। और यहाँ सी आउट में क्या कर दूंगा? एंडल कर दूंगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस में एस कर दूंगा और कंट्रोल प्लस एस करूंगा। उससे पहले मुझे काउंट को इंक्रीज भी करना है तो मैं कर दूंगा काउंट प्लस प्लस, इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो एक ही चीज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा और जैसे ही रन करूंगा मैं यहाँ आउटपुट डाल इनपुट डालता हूँ 4, तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है जो हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको जो यहाँ कोड है कोड का चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको कोड का चिंता करना ही नहीं है क्योंकि कोड में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ कोड सारा का सारा मिल जाएगा। एक ही फाइल में आपको सारा का सारा कोड मिल जाएगा, ठीक है। एक ही फाइल में क्या होगा? सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा। तो आपको कोड के बारे में नहीं सोचना है, आपको कोड के बारे में सोचना है ही नहीं। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बहुत आसान है। मुझे लगता है अभी तक मैंने आपको जितना क्वेश्चन कराया है उतना करने के बाद आप इस क्वेश्चन को तो काफी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, देखो वन, इस टाइप क्वेश्चन बहुत आसान है। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। मैं आपको एक चीज लगातार बताते आ रहा हूँ, क्या? कि जो हमारा आउटर लूप होता है वो रोज को प्रिंट करता है, रोज को। आउटर लूप, आउटर लूप कौन है? 1 2 3 4, ये हमारा क्या है? रोज। ये हमारा क्या है? रोज है। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको क्या बोलते हैं? रोज। जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं? कलम। 1 2 3 4, इतना आपको पता चल गया। जब इतना आपको पता चल गया तो आपको एक बात और पता है कि जो हमारा रो वन है, रो वन, तो उसके लिए हमारा लूप एक बार चल रहा है, इनर लूप एक बार चल रहा है। जो हमारा रो इक्वल टू टू है तो उसके लिए इनर लूप हमारा दो बार चल रहा है, दो बार। जब रो हमारा थ्री है तो उसके लिए इनर लूप हमारा तीन बार चल रहा है। तो क्या पता चला? कि एक तो हमारा आउटर लूप होगा जो 4 तक चलेगा, 4 तक, और एक हमारा इनर लूप होगा जो आई तक चलेगा। क्या मतलब सर? यही मतलब कि आई जो हमारा वन है तो 1 तक चलेगा, आई जब 2 है तो 2 तक चलेगा। तो मैं इनर लूप क्या करूंगा? आई तक चलाऊंगा। मैं इनर लूप क्या करूंगा? आई तक चला दूंगा। कैसे? देखो यहाँ 4 int i = 1, i < n और i++, ये हमारा आउटर लूप है। अब इनर लूप क्या है सर? इनर लूप काफी आसान है। इंट j = 1, j < i और j++। इसमें मुझे क्या प्रिंट करना है? मैं लिखूंगा सी आउट। इसमें मुझे क्या प्रिंट करना है? पहली बार मुझे सिर्फ क्या प्रिंट करना है? 1 प्रिंट करना है। तो पहली बार 1 में से कैसे प्रिंट करूंगा? तो मुझे, मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे आई का वैल्यू प्रिंट करना है, आई का। सी आउट अगर मैं यहाँ आई कर दूंगा, आई और स्पेस, तो आई थिंक मुझे प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्यों? जो हमारा पहली बार लूप चलेगा पहली बार तो ये चलेगा आई तक, 1 तक। तो मुझे क्या प्रिंट करना? आई का वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। जब दूसरी बार लूप चलेगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। आई इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ आई फिर हमारा कहाँ से चलेगा? 1 से लेकर i तक, मीन्स 1 से लेकर 2 तक, दो बार चलेगा। तो इसमें मुझे आई का वैल्यू हमारा 2 हुआ रहेगा, तो 2 दो बार प्रिंट कर देगा। फिर आई इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 1 से लेकर 3 तक चलेगा, और 3 बार 3 प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे आई को प्रिंट करना है और सी आउट मैं लिख दूंगा एंडल। अभी आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं अभी ड्राई रन करता हूँ। ड्राई रन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको लग जाएगा वाह क्या बात है, ठीक है। तो देखो
और दोस्तों यार आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मैं तो कहूंगा यार। और जितना मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ आप अपने से करो, वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले अपने से लिखो करो, कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है, और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस करो, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, भूलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ आई इक्वल टू कितना है वन, जे इक्वल टू कितना है वन। देखो आई इक्वल टू वन, जे इक्वल टू वन, तो आई इक्वल टू हमारा वन है, और आई वन लेस देन इक्वल टू कितना है फोर, एन कितना है, एन हमारा फोर है, एन क्या है फोर, क्यों, क्योंकि इसमें चार रोज है तो एन हमारा कितना है फोर है, और चार कॉलम है तो एन कितना है फोर, तो वन लेस इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर, और क्या करेगा, जे इक्वल टू वन, जे इक्वल टू वन, जे लेस इक्वल टू आई, तो वन लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, आई प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू कितना है हमारा वन, आई का वैल्यू कितना है वन, तो वन प्रिंट कर देगा, ये हमारा क्या है आउटपुट, आई का वैल्यू वन हमारा प्रिंट हो गया। फिर क्या करेगा, जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, जब टू होगा तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, टू लेस इक्वल टू वन, कंडीशन फॉल्स है, तो क्या करेगा, सी आउट एंड डेल, इस लूप से बाहर निकलेगा और न्यू लाइन को प्रिंट कर देगा, तो कर्सर हमारा आ जाएगा इसके नीचे। अब क्या करेगा, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू वन था, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा टू, आई का वैल्यू टू हो जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, टू लेस इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू है, फिर इसके अंदर आएगा फोर लूप, फिर जी हमारा वन से शुरू होगा, तो जी हमारा अपडेट होगा कितना हो जाएगा वन, वन से शुरू होगा, फिर वन लेस इक्वल टू टू, अब आई का वैल्यू टू हो गया, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, अब आई प्रिंट कर देगा, आई का वैल्यू कितना भी हो गया है, आई का वैल्यू टू हो गया है टू, तो टू प्रिंट कर देगा, फिर हमारा जे प्लस प्लस करेगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, तो टू लेस देन इक्वल टू टू, अब यहाँ आई जे हमारा दो बार चलेगा, आई आई के बराबर चलता है तो दो बार चलेगा, आई जे हमारा कितना बार चलेगा यहाँ दो बार, तो एक बार और दो प्रिंट हो जाएगा, फिर आई प्लस जे प्लस प्लस करेगा, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, और जैसे ही थ्री होगा यहाँ कंडीशन थ्री लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन फॉल्स है, फिर नया लाइन प्रिंट करेगा, यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो यहाँ थ्री प्रिंट करेगा तीन बार, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा तो हमारा फोर प्रिंट बार करेगा, फोर फोर बार, तो इस टाइप से आप इसको प्रिंट करना है, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है आपको काफी अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको ड्राई रन करके देखना है, मैं तो यहां करके दिखा ही रहा हूं, अपने से करना है ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। अपने से आपको क्यों करना है, क्योंकि आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए, तो अभी मैं चलूंगा देव सी प्लस प्लस में, आपको इसका कोड लिखकर दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और मैं तो कहूंगा यार आप मेरे साथ कोड करो, मेरे साथ कोड करने से आपको बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी और आपको मज़ा आएगा, वो एडिशनल वो अलग है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर मैं क्या करूँगा इंट मेन, इतना लिखने के बाद इंट एन, और ऐसा कंटेंट आपको यार यूट्यूब पर तो नहीं मिलने वाला फ्री में, और इतना ज़्यादा वीडियो इतना अच्छा से बता बता के मुझे नहीं लगता कोई बताया, क्योंकि यार जब मैं सर्च करता था तो मुझे वीडियो मिलता ही नहीं था, तो मुझे बहुत दुख लगता था, और इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं यार पढ़ाऊंगा एकदम फ्री में और काफ़ी हाई लेवल तक का, ताकि कोई ऐसा फ्री में तो नहीं पढ़ा सकता है, मैं उस लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको काफ़ी ध्यान से चीज़ों को देखना है, इंट जे इक्वल टू हमारा वन, जे लेस देन इक्वल टू आई तक चलेगा, और जे प्लस प्लस, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सी आउट आई को प्रिंट करना है, आई फॉलोड बाई क्या स्पेस, फॉलोड बाई स्पेस, और नीचे जाना है सी आउट क्या करना है, सी आउट एंडल, एंडल करना है कंट्रोल प्लस एस, बस इतना ही कोड है, बस कोड क्या है कुछ नहीं है, मैं बहुत टाइप के आपके पास क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अभी सारा का सारा क्वेश्चन अभी बेसिक है, जब हम लोग एडवांस की तरफ बढ़ेंगे तब आपको और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या है, वन टू टू थ्री 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 फोर 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 स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, आपको कोड का चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, कोड सारा का सारा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, सारा का सारा फाइल एक ही फाइल मिलेगा, सारा का सारा कोड। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने चीज़ों को देख लिया है, अब मैं क्या करूँगा इसको भगाऊंगा और चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हमारे पास आना शुरू हो गया, एक क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो हमारा स्टार है एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो, और हमारा एक, तो मैं आपको एक चीज बार बार बताते आ रहा हूं कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसको क्या बोलते हैं रोज, इसको मैं क्या बोलता हूँ रोज बोलता हूँ, आप ध्यान से समझो, हमारा रो नंबर ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर है, जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको क्या बोलते हैं, मैं रोज बोलता हूँ, जो वर्टिकल होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ कलम, वन टू थ्री फोर,
ये हमारा क्या है, कॉलम। मैं यहाँ लिख दूंगा, जो हमारा वर्टिकली होता है उसको कॉलम बोलता हूँ, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको मैं रो बोलता हूँ। तो मैं एक चीज अभी तक देख पा रहा हूँ, आप जो पिछला हमारा वीडियो है इसमें देखे होंगे कि आपको क्या दिख रहा है, पहले वन प्रिंट हुआ है, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, पहले चार बार, फिर तीन बार, फिर दो बार, फिर एक बार। मीन्स उसको रिवर्स कर दिया गया है, उसको क्या किया गया है, रिवर्स। तो आपको मैं एक चीज बताते आ रहा हूँ क्या, कि जब भी हमें आउटर लूप लगाता हूँ तो हमारा रो प्रिंट होता है। तो अभी आपको क्या करना है, रो काउंट करना है, रो कितना है, तो एक दो तीन चार, रो हमारा कितना है चार, मैं एन हमारा कितना हो जाएगा फोर, रो हमारा कितना है फोर, इतना पता चल गया। जब रो हमारा इक्वल टू फोर है तो मैं आउटर लूप तो बिना देखे समझे मैं चार तक चला दूंगा, इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस। मैं क्या करूंगा, आई जो हमारा आउटर लूप है तो कितना रो है, एक दो तीन चार, चार रो है, तो मैं चार तक तो ऐसे ही चला दूंगा, ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, चला दिया, मैंने क्या किया, ऐसे ही चला दिया। अब देखो, जब हमारा रो आई इक्वल टू वन है, जब आई इक्वल टू हमारा वन है, तो उस बार मुझे कितना प्रिंट करना है, मुझे चार स्टार प्रिंट करना है। मीन्स वन के लिए जो हमारा लूप होगा, जो हमारा आउटर लूप वन है वन, इसके लिए हमारा जो इनर लूप होगा चार बार चलेगा। ध्यान समझो, हमारा आई इक्वल टू कितना है, वन, आई इक्वल टू वन है, आई इक्वल टू क्या है, वन, लेकिन इसके लिए मुझे चार बार स्टार प्रिंट करना है, तो इनर लूप को मुझे चार बार चलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, फोर इंट जे इक्वल टू, मैं एन से शुरू कर दूंगा, और जे लेस देन इक्वल टू आई, और जे माइनस माइनस। अब बहुत सारे लोग यहाँ हो गए कंफ्यूज, बहुत सारे लोग क्या हुए, कंफ्यूज हो गए कि सर आपने इसको जे इक्वल टू एन, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई, और जे माइनस माइनस आप क्यों कर दिए। मैं बोलूंगा बाबू, मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि जो पहला हमारा आई है, आई वन, इसके लिए मुझे सबसे ज्यादा बार चलाना है। मीन्स कहाँ तक, चार तक, जो हमारा एन है वहां तक चलाना है। तो मैं क्या करूंगा, वहां से चलाने के लिए अगर मैं वन से शुरू करूंगा, अगर मैं वन से शुरू करूंगा तब तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कैसे होगा कि वन से लेकर कहाँ तक जाना है मुझे पता ही नहीं, लेकिन मैं अगर एन से शुरू कर रहा हूँ तो मुझे इतना पता है कि जब आई है आई तक चलेगा। तो क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू एन, मैं चार से शुरू करूंगा, और जब तक जे ग्रेटर देन है आई तक, आई तक, जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू आई तब तक क्या करो, इसको प्रिंट करते रहो। और सी आउट में क्या कर दूंगा, मैं सी आउट करूंगा स्टार, क्योंकि मुझे स्टार चाहिए फॉलोड बाई स्पेस। और इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा, सी आउट हैंडल कर दूंगा, हैंडल। और मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, ड्राई रन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे चीज़ें काम कर रही हैं और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ आई इक्वल टू हमारा कितना है, वन, जे इक्वल टू कितना है, एन, जे इक्वल टू एन है, एन से शुरू हो रहा है, एन मतलब कितना है, फोर, जे इक्वल टू हमारा फोर, तो आई इक्वल टू हमारा वन है, और आई वन लेस देन इक्वल टू फोर, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या है, ट्रू, तो फिर इसके अंदर आएगा। और जे इक्वल टू एन, जे इक्वल टू कितना है, फोर, जे ग्रेटर देन इक्वल टू वन, फोर जो हमारा है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, हाँ कंडीशन ट्रू है, एक क्या है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आएगा, और एक स्टार क्या कर देगा, प्रिंट। मैं यहाँ आउटपुट लिखूंगा और एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया। फिर जे माइनस माइनस, जे माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे का वैल्यू फोर था, अब हो जाएगा थ्री, थ्री हो जाएगा, और यहाँ कंडीशन चेक करेगा, थ्री लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू वन, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, इसके अंदर आएगा और एक स्टार और प्रिंट कर देगा, तो एक स्टार और प्रिंट हो गया। फिर जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू कितना हो गया, टू, जे का वैल्यू कितना हो गया, टू, अब टू करेगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा, टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो एक बार और स्टार प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन, कंडीशन चेक करेगा, वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, हाँ कंडीशन ट्रू है, आएगा नीचे और एक बार और स्टार प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, जे माइनस माइनस, जे माइनस करेगा, जे का वैल्यू कितना हुआ है, जीरो, और जे का वैल्यू जब जीरो हो गया तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो लूप के अंदर हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, इसका जो कंट्रोल, कंट्रोल लूप के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा, और क्या करेगा, यहाँ सी आउट एक नया लाइन प्रिंट कर देगा, क्या करेगा, एक न्यू लाइन प्रिंट कर देगा, तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होकर आ जाएगा यहाँ, यहाँ। और फिर आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू वन था, अब आई का वैल्यू कितना हो गया, टू, आई का वैल्यू टू। तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू आई इसलिए किया है कि जहां तक आई है वहां तक चलना है। अब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, अब ये टू तक चलेगा, तो फिर हमारा एन, जे इक्वल टू कहाँ से शुरू होगा, एन से, जे हमारा फिर कहाँ शुरू होगा, जे हमारा फिर फोर से शुरू होगा, फोर से, और फोर हमारा क्या है, फोर ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो फिर एक बार स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे माइनस माइनस करेगा तो थ्री हो जाएगा, तो फिर थ्री हो जाएगा, तो फिर हमारा कंडीशन ट्रू है, एक बार और स्टार प्रिंट कर देगा।
फिर जे माइनस माइनस करेगा जे इक्वल टू कितना हो जाएगा टू। अब जे करेगा टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, हाँ कंडीशन ट्रू है, प्रिंट करेगा। और फिर माइनस माइनस करेगा तो जे का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, कंडीशन चेक करेगा वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इस लूप में नहीं आ जाएगा और फिर एक नया लाइन प्रिंट कर देगा और यहाँ आ जाएगा। वैसे ही तीसरी बारी में दो बार लूप चलेगा, वैसे ही चौथा बारी में लूप एक बार चलेगा, और जैसे ही आप चार बार कर लेंगे तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आ जाता है तो आपको वीडियो को पीछे करना है, फिर से समझना है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर से समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, किसी को भी एक बार में समझ में नहीं आता है, मैं भी आपको समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे भी जब मैं लर्न करता था तो मुझे एक बार में नहीं आती थी, ठीक है? तो उसमें कोई बात नहीं है, आपको एक बार में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ कोड करूँगा और कोड करके आपको दिखाऊंगा। तो आपको लिखना है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये हमारा बेसिक सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर है, इसको तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप सी प्लस प्लस एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, मैंने खुद प्लेलिस्ट बना कर डाला है, तो आप जाओ उसे आप पढ़ सकते हो, मैंने उसमें सारा का सारा मटेरियल डाला है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है सी प्लस प्लस के बारे में, फिर भी आप चीज़ों को काफ़ी अच्छा से पढ़ पाएंगे और आपको मज़ा आ पाएगा, और समझ में तो खैर आएगा ही, इसमें तो पूछने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको काफ़ी अच्छा से पढ़ाया हूँ तो समझ में आएगा ही। तो इंट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, जे ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक चलेगा आई, और जे माइनस माइनस, और इसमें हमें क्या प्रिंट करना है सी आउट स्टार प्रिंट करना है, सी आउट स्टार फॉलोड बाई क्या स्पेस, फिर नीचे जाना है और क्या प्रिंट करना है सी आउट एंडल, कंट्रोल प्लस में एस कर दूंगा, कंट्रोल प्लस में एस करूंगा और क्या करूंगा इसको रन करूंगा, इसको रन करके दिखाऊंगा। और मैं डालूंगा यहाँ फोर, और जैसे ही मैं फोर डालूंगा मुझे एक यहाँ दिख रहा है, क्यों मैं थोड़ा सा इसको चेक करूंगा क्या लिखा है। आई इक्वल टू वन, आई लेस इक्वल टू वन, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू वन, जे इक्वल टू वन मैं किया हूँ, जे इक्वल टू एन से शुरू करना है, वन से एन से, क्योंकि तभी हमारा एन बार प्रिंट हो पाएगा पहली बारी में। यहाँ मैं फोर लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा, तो अभी आपको आउटपुट दिख पा रहा होगा, अभी आपको क्या दिख रहा है आउटपुट यहाँ दिख रहा है, ठीक है? तो अभी मैं चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा, उससे पहले आपको कोड चाहिए तो आपको कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहां से मिल जाएगा, ठीक है? आपको ज्वाइन कर लेना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत फर्स्ट लगे वीडियो बनाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। और अभी मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, देखो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बार बार हर एक वीडियो में आपको एक चीज बताता हूँ कि पहले करना है विजुअलाइज। अगर आप विजुअलाइज कर लेंगे तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, और 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन की बैंड बजा देंगे, ठीक है? तो देखो मुझे क्या करना है, मैं एक मार्कर पेन ले लेता हूँ इधर, और क्वेश्चन क्या दिया है वन टू थ्री फोर, पहले फोर स्टार फिर वन टू थ्री, थ्री स्टार फिर वन टू, टू स्टार फिर वन स्टार फिर वन स्टार। तो मुझे एक चीज़ यहाँ दिख रहा है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसको बॉक्स में बंद करूँगा ताकि आपको विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छा से आपका हो पाए, ठीक है? देखते रहो, इसको डब्बा में बंद कर लिया। अब ध्यान से देखो, अभी समझना है ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बताते आ रहा हूँ कि जो हमारा हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं रोज, उसको हम रोज बोलते हैं। तो रोज कितना है एक दो तीन चार, कॉलम किसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन को, कॉलम कितना है वन टू थ्री फोर। यहाँ तक तो कोई डाउट, यहाँ तक तो कोई डाउट है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, तो मैं आपको इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, इससे पहले मैंने बताया है क्या कि इसको कैसे प्रिंट करते हैं, एक स्टार फिर दो स्टार फिर तीन स्टार, इसको कैसे प्रिंट करना है, इतना मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पीछे कीजिए, वहां से देखिए आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया है वन स्टार फिर दो स्टार फिर तीन स्टार कैसे प्रिंट करते हैं, और यहाँ देखो हमारे पहले चार है फिर तीन फिर दो फिर एक, और यहाँ क्या है एक स्पेस, यहाँ दो स्पेस और यहाँ तीन स्पेस, तो यहाँ मान लो इसको एक स्पेस, इसको दो स्पेस और इसको तीन स्पेस। अभी आपको समझ में आ गया, अभी आपको क्या हुआ समझ में आ गया। तो बोलोगे सर लेकिन करना कैसे है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ यहाँ एक स्टार प्रिंट करना है, यहाँ एक स्पेस, यहाँ दो स्पेस और यहाँ तीन स्पेस।
प्रिंट कैसे होगा। तो मैं बोलूंगा, मैं आपको जो बेसिक तरीका बताते आ रहा हूँ कि सबसे पहले आपको रोज काउंट करना है कितना है, तो आप रोज काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4। तो जितना हमारा रोज है उतना बार हमारा आउटर लूप चलेगा। तो एन इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 रोज है तो आउटर लूप हमारा 4 बार चलेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4। काफी मैं आसानी से आपको चीजें बता रहा हूँ, आपको एकदम ध्यान ध्यान से समझना है, समझ में आ जाएगा। 4 हमारा कितना है, 4 हमारा रो है, तो आउटर लूप हमारा कहाँ से चलेगा, 4 तक। तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, पहले जो कहा जा रहा है उसको करना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ प्रिंट किया है, जैसे ही मैंने 1 से लेकर 4 तक चलाया है, तो हमारा सारा का सारा इसमें आउटर जो हमारा रोज है वो आ जाएगा। अब देखो, जब हमारा आई इक्वल टू 1 है तो उस बार हमारा कितना बार चलेगा, उस टाइम हमारा जो स्टार 4 बार प्रिंट होगा, कितना बार प्रिंट होगा, 4 बार। लेकिन जब आई इक्वल टू 2 है तो हमारा 1 स्पेस है, जब आई इक्वल टू 3 है तो हमारा 2 स्पेस है, जब आई इक्वल टू 4 है तो हमारा कितना स्पेस है, हमारा 3 स्पेस है। तो एक चीज मुझे यहाँ करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, जैसे ही हमारा आई इक्वल टू 1 है तो इस बार मैं एक भी यहाँ स्पेस प्रिंट नहीं करूंगा, लेकिन जब हमारा आई इक्वल टू 2 होगा तो 1 स्पेस मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक और 4 लगाऊंगा, 4 int जे इक्वल टू, मैं कहाँ से कर दूंगा, 2 से, जे इक्वल टू कहाँ से करूंगा, 2 से, 2 और जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, इतना मैं करूंगा। और इस बारी में क्या करूंगा, इस बारी में प्रिंट कर दूंगा स्पेस जे इक्वल टू 2 से। 2 से क्यों, क्योंकि यार जो हमारा फर्स्ट बारी है, फर्स्ट जो हमारा जे 1 है 1, तो इस बार मुझे क्या करना है, जो हमारा 1 है तो इस बार मुझे स्टार प्रिंट करना है। लेकिन जो हमारा आई इक्वल टू 2 है, आई इक्वल टू 2, तो उस बार मुझे क्या करना है, यहाँ एक स्पेस प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 2 से लेकर i तक चलूंगा और पहले 1 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 3 स्पेस, हमारा स्पेस का काम ए लूप कर लेगा। मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। अभी आपको इतना समझना है कि 2 से लेकर i तक मैं चलाऊंगा और जे प्लस प्लस करूंगा और क्या प्रिंट करूंगा, स्पेस। फिर मैं एक और 4 लगाऊंगा, 4, इसमें मैं फिर इंट जे इक्वल टू कहाँ तक जाऊंगा। अब जो हमारा आई 1 है, जब आई इक्वल टू हमारा 1 है तो लूप कहाँ तक चलेगा, कितना बार प्रिंट करेगा स्टार, 4 बार, मीन्स एन बार। तो जे इक्वल टू एन, जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई और जे माइनस माइनस, इस बार क्या प्रिंट करना है, इस बार आपको प्रिंट करना है स्टार, स्टार प्रिंट करना है, स्टार इसको भगाओ, सिर्फ स्टार प्रिंट करो। और इसके नीचे आपको क्या करना है, सी आउट एन डेल, फिर न्यू लाइन में जाना है। तो जैसे ही आप इतना कोड लिखोगे तो क्या होगा, आपका एक पैटर्न बन जाएगा। अब कैसे बनेगा, मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं इसको क्या करूँगा, एक इरेजर लूँगा, इरेजर, और इसको पहले मैं यहाँ से भगा दूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। और ध्यान से समझने की बात है, जब आप एक बार ध्यान से समझ लोगे फिर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है। हमारा सबसे पहले आई इक्वल टू कितना है, आई इक्वल टू हमारा 1 है, 1 यहाँ जाएगा, आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन है ट्रू, कंडीशन ट्रू इधर आएगा। और जे इक्वल टू कितना है, 2, पहला हमारा जे इक्वल टू 2 है। अब आप बोले सर यहाँ आप जे ले लिए हैं, फिर यहाँ भी जे ले लिए हैं, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस जे को सिर्फ इस फोर लूप के अंदर ही यूज होगा, इस फोर लूप के अंदर, इसको बोलते हैं लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये लोकली डिक्लेयर है, बस इसी फोर लूप के अंदर ये जे वैलिड है और ये जो हमारा जे है इस फोर लूप के अंदर वैलिड है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नाम रख सकते हो आप, फिर आप यहाँ चाहो तो जे इक्वल टू के रख सकते हो या फिर कोई भी नाम रख सकते हो, समझ में आ गया। जे इक्वल टू चल रहा है तो जे इक्वल टू 2, जे इक्वल यहाँ 2 है, यहाँ करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो इस लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, यहाँ जाएगा, 4 यहाँ चला है। अब यहाँ जे इक्वल टू एन, जे इक्वल टू कितना है, यहाँ 4 है, 4 4 लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा और क्या करेगा, 1 स्टार प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट में हमारा 1 स्टार यहाँ आ गया, आउटपुट में 1 स्टार हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या करेगा, जे माइनस माइनस, तो जे 4 था कितना हो जाएगा, अब 3, अब 3 हो जाएगा, तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ कंडीशन ट्रू है तो एक और स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, 1 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, कंडीशन चेक करेगा, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर 1 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और जैसे 0 होगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स,
कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या करेगा, सी आउट एंड एल, एक नया लाइन प्रिंट कर देगा और कर्सर आ जाएगा कहाँ, यहाँ। अब क्या करेगा, ये हमारा इनर लूप दोनों का काम हो गया। अब जाएगा फिर आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा टू। अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, टू लेस देन इक्वल टू फोर, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके अंदर आएगा। और जे इक्वल टू टू, जे इक्वल टू टू, टू लेस देन इक्वल टू टू, हाँ कंडीशन ट्रू है, कंडीशन क्या है ट्रू, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू से जाएगा एक स्पेस प्रिंट कर देगा, तो यहाँ क्या करेगा एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू था, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, यहाँ कंडीशन चेक करेगा थ्री लेस देन इक्वल टू टू, कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो इस फोर लूप को स्किप कर देगा, यहाँ आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा। और फिर जे इक्वल टू एन, जे इक्वल टू क्या है एन, एन कितना है फोर, फोर से फिर शुरू होगा, अब यहाँ इसको काट दो, फिर फोर से शुरू होगा और फोर ग्रेटर देन इक्वल टू अब टू हो जाएगा टू, हाँ कंडीशन ट्रू है तो एक बार स्टार प्रिंट कर दो, तो यहाँ स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री, तो फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू टू, कंडीशन ट्रू है प्रिंट कर देगा। फिर हमारा कितना हो जाएगा जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा टू, यहाँ कंडीशन चेक करेगा टू लेस देन थ्री, टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू, हाँ कंडीशन ट्रू है तो फिर एक बार स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, अब वन होगा तो फिर यहाँ आएगा वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, कंडीशन क्या है फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा तो इधर आएगा और एक नया लाइन प्रिंट कर देगा और आ जाएगा यहाँ। तो फिर दूसरी बार में हमारा क्या होगा, अब आई इक्वल टू हो जाएगा थ्री, आई प्लस प्लस करेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा कितना थ्री, आई का वैल्यू कितना हो गया थ्री, यहाँ कंडीशन चेक करेगा। फिर यहाँ आई एक दो से शुरू होगा, दो से शुरू होगा, कितना होगा दो से, अब हमारा क्या हो जाएगा टू, टू जो हमारा है टू लेस देन इक्वल टू कितना है थ्री, हाँ लेस देन इक्वल टू थ्री है तो क्या करेगा एक बार फिर हमारा स्टार प्रिंट कर देगा, स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर एक बार जे प्लस प्लस करेगा, जे का वैल्यू थ्री हो जाएगा, एक बार फिर स्टार प्रिंट स्पेस प्रिंट कर देगा, दो बार स्पेस प्रिंट कर दिया और दो बार हमारा क्या करेगा स्टार प्रिंट कर देगा। वैसे ही तीसरा बारी में यहाँ तीन बार हमारा प्रिंट कर देगा स्पेस और एक स्टार प्रिंट कर देगा। तो जैसे जैसे आपका लूप चलते जाएगा वैसे वैसे हमारा क्या करेगा स्पेस प्रिंट करता जाएगा और इसको एडजस्ट करता जाएगा। तो जैसे ही आप इस कोड को लिखेंगे आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा, आपके पास क्या होगा ये आउटपुट आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपको एक कोड समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट करना है, और वीडियो को पीछे करके अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि क्लियर हो जाएंगी। और यार वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना काफ़ी ज़रूरी है, तो वीडियो को आप लाइक कर दो। अभी मैं कोड लिखकर दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें हमेशा के लिए समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे साथ कोडिंग करो, क्योंकि मेरे साथ आप करोगे तो बहुत सारा डाउट जो आपको आने वाला है फ्यूचर में वो डाउट आएगा ही नहीं, और जो मज़ा आएगा वो एडिशनल है, वो आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं इंक में, आपको काफ़ी ध्यान से लिखना है और कोड का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कोड डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ मिल जाएगा। तो इंट में क्या करूंगा, एक नंबर ले लूंगा इंट, मुझे यूजर से लेना है ताकि यूजर कुछ कोई भी नंबर डाल सकता है तो उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इंट आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस, एक इनर लूप चलाऊंगा स्पेस के लिए, इसमें मैं क्या करूंगा इंट जे इक्वल टू टू से लूंगा, जे लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस, इसमें मैं क्या करूंगा इसमें मुझे स्पेस प्रिंट करना है तो मैं स्पेस प्रिंट कर दूंगा, और फिर मैं जाऊंगा नीचे और एक और फोर लूप लगाऊंगा जो हमारा स्टार को प्रिंट कर रहा होगा, तो ये हमारा जाएगा एन से जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई और जे माइनस माइनस, फिर मुझे क्या प्रिंट करना है, यहाँ मुझे प्रिंट करना है स्टार को, मुझे यहाँ क्या प्रिंट करना है स्टार को, और नीचे जाऊंगा मुझे सी आउट एंडल भी करना है ताकि न्यू लाइन में हमारा जाए, बस इतना कोड है। अब मैं क्या करूँगा कंट्रोल प्लस एस करके इसको कंपाइल रन करूँगा, और जैसे ही मैं कंपाइल रन करूँगा मैं डालूंगा फोर, और फोर डालूंगा तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट दिख रहा होगा, यही हमें आउटपुट चाहिए था, एक यहाँ स्पेस चाहिए था, यहाँ दो स्पेस, यहाँ तीन स्पेस, और इसी फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए था। तो आप इस कोड को देख सकते हो और आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और मैं चलूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको बताऊँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं इस कोड को यहाँ से भगा दूंगा और उस फाइल में डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो,